हाय एवरीवन, माय नेम इज अकबर अली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड ईकेवाईसी। राशन कार्ड ईकेवाईसी करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। आप लोगों को 30 सितंबर तक का डेट दिया गया है, इस डेट से पहले आपको राशन कार्ड ईकेवाईसी कराना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राशन कार्ड का जो भी बेनिफिट आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है वो आपका बंद हो सकता है। तो ऐसा करें, आप अगर झारखंड या अपने घर से या अपने स्टेट से बाहर हैं फिर भी आप राशन कार्ड का ईकेवाईसी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि सरकार अब चाह रही है कि जो भी लोग जो अभी ज़िंदा ही नहीं है उनका बेनिफिट किसी और को मिलना चाहिए, किसी और के नाम से नया राशन कार्ड बनना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत हो रहा है। तो इसके लिए ईकेवाईसी कराना ज़रूरी है। कई सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं जो जिनकी शादी हो चुकी है और वह मायके से ससुराल चली गई है, लेकिन उनका बेनिफिट मायके में भी मिल रहा है और ससुराल जाने के बाद ससुराल में भी उनका नाम ऐड करा दिया जाता है। तो एक आदमी दो बेनिफिट्स ले, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईकेवाईसी कराने के बाद एक आदमी का एक ही बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप दो जगह से बेनिफिट ले रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा चीटिंगबाजी अब नहीं चलेगा। और ये ईकेवाईसी राशन कार्ड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका राशन कार्ड का बेनिफिट बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे में सवाल आता है कि आप ईकेवाईसी करेंगे कैसे? अगर आप घर में नहीं हैं, आप घर से बाहर हैं तो हम आ नहीं पाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो आप जहाँ भी हैं अपने मोबाइल से ईकेवाईसी कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये बड़ा आसान तरीका है। अगर आप कहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन ईकेवाईसी राशन कार्ड का कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो चलिए इस तरह के वीडियो पे मिलते हैं। अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे ये इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक कीजिए और छोटा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।